हेलो दोस्तों, न्यू ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। और अभी का देखने में मॉर्निंग लग रहा है, 4 बज रहा है, वैसा नहीं है, शाम का 5 बज गया है। और हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने हैं, मतलब पिकनिक नहीं समझिए, मतलब लिट्टी पार्टी करने आने हैं, सस्ता पार्टी लिट्टी चोखा का। तो देख सकते हैं यहाँ जमीन पे हम लोग अभी वाला को नहीं मिलता है। हाँ, नसीब वाला को ऐसा पार्टी नहीं मिलता है। ठीक, मुकेश अंबानी कितना पैसा वाला उसको नहीं मिलेगा। मनीष भैया को देख लीजिए, इधर देखिए, वो ये अपना खाने में लगल रहते हैं। पहले आए यहाँ, दुकान गए, पहले खरीद लिए अपना चना और खा रहे हैं। कैमरामैन फोकस किया जा, बोलते हैं ना जितना हम लिट्टी यहाँ इतना टाइम देके खाएंगे, उससे अच्छा हम 4 गो लिट्टी खरीद के खा लेंगे। तो कितना बेवकूफ आदमी है ये, आदमी हमको नहीं दिया है, कमाना चाहते हैं। हाँ, हम ऐसे मुंह चला रहे हैं, हमको नहीं दिया है। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। दुकान पे सारा राशन का सामान लेने, इसमें जैसे क्या लग रहा है, आटा, सत्तू, आलू और बहुत कुछ लग रहा है। तो हम लोग इस दुकान में ले लिए हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं मनीष भैया खा रहे, देखिए कभी देखिए, तो फिर देख रहे हैं खाने के लिए। और अभी हम लोग यहाँ सामान लेने ले रहे हैं, और लेने के बाद हम लोग तैयारी करेंगे यहाँ पे डेंटिस्ट दुकान पे आइए। और अरे पैसा दिया जो प्रमोशन करेंगे उसका दुकान का, नहीं पैसा नहीं दिया। और ये दला दली चौक है, इधर देख सकते हैं, यहाँ क्लिनिक है। हाँ, पैसा दिया का प्रमोशन करने का, कह रहे पैसा दिया का प्रमोशन करने का। तो हम लोग अभी मतलब शाम का 6 बजने वाला है, बज ही गया शायद, पता नहीं। अभी हम लोग दांत मनवाने, 5 बज गया फिर फालतू चीज है ये, इंसान खाते रहता है खाली हर समय। सब्जी मार्केट, और हम सब्जी ले चुके हैं, देखिए अंधेरा होते जा रहा धीरे धीरे। ये दला दली में बाजार लगता है वहीं पे, तो देख सकते हैं इस तरह का टोपी खरीदे हैं, ये अलग है और ये अलग है। अंधेरा हो चुका है, अभी हम यहाँ पानी भरने आए हैं, यहाँ घर था पीछे में तो वहाँ पानी लेने आए हैं। अंधेरा से मेरा चेहरा भी क्लियर नहीं आ रहा, कितना मस्त लग रहा है यार ये, मोटा है, बहुत मोटा है, ठंडा मेरा दूर हो गया। तो दोस्तों अभी यहाँ केडीजी आटा सान रहे हैं, और हम लोग यहाँ खड़े हैं, हम लोग कुछ काम किए हैं यहाँ, सिर्फ हम लोग सामान तैयारी कर रहे हैं, बनाएंगे उधर खेत में जाके, खेत में दिखाए थे ना आप लोग, अपने खेत है कि दूसरे का। इधर बन रहा है खाना, और मतलब खाना नहीं, आटा सना रहा है, आप लोग देखे आ रहे। इधर हम लोग आ गए हैं समोसा चाट खाने, ठीक। और सच में लाइट में अभी आप लोग को दिखा ना, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्यूट सा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, कलर भी अच्छा है, खिंचा जाएगा इसको, इससे हम तो बार बार अपना टोपिये पे नजर रखे हैं। मेरा चाट उधर MK का, उसमें मीठा डाला हुआ है, मेरे में नहीं डाला हुआ है। बैठिए ना तो बनेगा। दोस्तों हमको सब मिर्ची का जिम्मा दे दिया है, इसलिए क्योंकि हम मिर्ची ज्यादा खाते हैं। इधर देखिए हम मिर्ची तभी से काट रहे हैं। दोस्तों अभी हम मिर्चा काट रहे थे, वो बोल दिया हम बड़ा बड़ा मिर्चा काट रहे हैं। और सूरज का क्या कहना है, मिर्चा मिर्चा इसको मिर्चा कर देंगे ना, तो आधा के जी मिर्चा आया है पूरा डाल देगा, ठीक है। हमको दे दिया जानकारी, लहसुन वाला छीन लेके नाखून से छीलते रहो बैठ के, ठीक है। तो इसलिए इसको मिर्चा भी काम रुकवाएंगे, आधा घंटा से लहसुन छील रहा है, बहुत हार्ड होता है भैया, आपको भी पता है कि लहसुन छीलना कितना मुश्किल काम होता है। और हम आराम से मिर्चा काट रहे पूरा ढेरे डाल देंगे। हम लोग को जो बचपन से काम मिलते रहा है वही काम अभी हम लोग कर रहे हैं। यहाँ देख लीजिए आलू छील रहे हैं। सूरज, शादी ब्याह जब होता था तो हम लोग को क्या काम मिलता था, बता दो। हाँ बताओ, बचपन में अब तो नहीं, इज्जत करके बढ़ाया था सर। जब छोटा थे ना, किसी के यहाँ गलती से गेस्ट में चल गया, शादी ब्याह में चल गया, मामा फूफा गए, मामा फूफा कहीं भी चल गए ना, तो हम लोग बढ़िया कपड़ों पहने जाते थे कि नहीं कुछ बोलेगा, इज्जत करेगा। लेकिन इतना बड़ा डगरा में आलू सिलाया जाता था, 40-50 kg, ठीक है। उसको बोले ए बहुआ इधर आना, इधर आना, ऐसे नहीं, अच्छा मामा चाचा कोची कर रहे थे वहाँ बैठ के, यहाँ चलो आलू नहीं है। गलती हम लोग का भी था, हम लोग लालच को मुंह उठा के पकड़ लेते, सब खाने के लिए मिलेगा, लेकिन मान आलू चली, तो बुलाते थे बैठ, और गेर से बैठा देता था सब लेकर, सब लेकर के अब आलू छील रहे पूरे, पता भैया ये हो जाता था। ओकरे में कोई हरा भी रहता था ना, तो बोलता था ना कि चाचा हमको पेशाब लगा, बहाना करके भाग जाता था, टॉयलेट लगा हुआ है,
ठीक है, और गायब हो जाते थे जब तक नहीं बने खाना। बचपन में मतलब बच्चा लोगों ने आलू छीलने का काम पक्का मिलता था शादी ब्याह में। ये लड़का बहाना करता मालूम है, इसका टट्टी लग जाता, ऐसा बहाना करता था। हाँ, हम लोग बहाना कर करके भागते थे। देखिए रोशनी में नाम मेरा जाना चाहिए। दोस्तों लाइट कट गया है तो मोबाइल का टॉर्च, एक सेकंड, मोबाइल का टॉर्च से हम लोग लिट्टी, अभी हम लोग लोहिया कर रहे, आटा हम साने हैं, देख सकते हैं। अरे बीच में सिगरेट जा गया, लोहिया हम सान रहे। सो अभी हम सत्तू भर रहे हैं, काफी मेहनत हम अकेले ने, न केवी मेहनत किया है, न एमके रोशनी दिखा रहा है, न उधीरू भैया की, हम अकेले सारा चीज कर रहे हैं। भैया बताइए, कोई बात नहीं, सब लिट्टी एक्स्ट्रा ना खाएंगे। आप पवन के भाई हैं? करीबन 8 बज चुका है, केडी जी को स्पेशल हम लोग घास कबाड़ने के लिए बुलाए हैं। चेहरा नहीं दिख रहा है, ये हम पकड़ के हैं, तब दिखेगा आप लोग। ये बोलता नहीं, खाली रख रहे थे। केडी जी को हम लोग आप 32 को से ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा है। 100 गोबर वाला जो होता है ना कंदरा, उसका ऊपर उसको एक काम कीजिए, हाथ में लेके उसे धो लेते रहिए तो हो जाएगा। गोइठा इतना बड़ा रहता है ना, टाइम देख रहे हैं, नो बारिश। श्री गणेश हो चुका है, श्री गणेश के साथ शुभारंभ हो रहा है। मैं टॉर्च पकड़ने वाला हूँ, लाइटमैन के साथ। ये क्या बोलते हैं, फिल्म का नाम आ गया है। अब लगता है मुझे भिड़ना होगा, ये लो 15 मिनट से सिर्फ जला रहा है। पत्ता हरा, सॉरी सूखा सूखा। हम लोग का लिट्टी बैठे चाहे नहीं बैठे, यहाँ हम लोग बैगन पहले रख दिए हैं। वो मेरा काम था। हाँ। बैगन का तो भैया का था। मैं मेरा काम है चोखा बनाना था, इसलिए लोग लिट्टी पके चाहे नहीं पके, मैं अपना बैगन पका रहा हूँ। हाँ। क्योंकि सबसे पहले मैं रेडी रखूंगा, ये लोग नहीं बनेगा तो मैं बैगन का चोखा खा के चल जाऊंगा। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ज्ञान वाली बातें बोली है। कौन रखे वो होशियार आदमी, पहले बैगन रखाता है, खाना बनने के बाद रखाता है। वीडियो में सब होशियार आदमी बोल रहा है, बीच में आके बुगो बना रहे हैं। जानते हैं पानी से सब आग खत्म हो जाएगा। सही बोले, बैगन पानी छोड़ता है, निकलते हैं। पलटिए ना ये बैगन, हां बाप रे बाप, चलो पानी आ जाएगा पूरा आग पे। हम लोग का एक और टेंशन, अगर बारिश हो जाएगा ना तो सब अपना चार चार पाँच छह छह को लिट्टी हो रहा है सबके हिस्से में, 6 आदमी है, 36 लिट्टी हुआ है, सब अपने घर ले जाएगा और क्या बोलते हैं घर में सेक के खाएगा। तैयार हो रहा, हम लोग का लिट्टी तैयार हो चुका है, इधर खाने की तैयारी हो रही है। सुनिए ना, पहले लिट्टी रखते हैं, रखने में इनका नाम लिख दीजिएगा, रखने में भैया कैमरा में लीजिए थोड़ा सा। डिसाइड तो कर लिए थे लिट्टी बनाने का, लेकिन लिट्टी बनाने में इतना मेहनत लगता है। सोच में इसका नाम यही, अचानक 12 बजे फोन करता है कि भैया चलिए ऐसा नहीं था लिट्टी पार्टी किया जाए, ठीक ना। तो इसके पीछे सर्टेन काम था, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, सूरज भैया से बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुआ था, निकेश भैया से नहीं हुआ था, और केडी भैया, तो हम लोग बहुत सारे सोचे कि एक ओकेजन टाइप पे इसको एंजॉय किया जाए, दैट्स व्हाई मैंने ये किया, ऐसा नहीं है। क्योंकि चले लिट्टी हो गया हम लोग का कंप्लीट, अब यहाँ चोखा बन गया, आप लोगों को हम चोखा दिखा दिया, अब चलेंगे हम लोग खाने, ठीक, खाते हुए थोड़ा सा दिखा देंगे। निकल चुका है सभी लोगों का, देख सकते हैं आप, पूरा देसी स्टाइल में इधर चोखा मिल गया है। तो दोस्तों हम लिट्टी टेस्ट करते हैं सबसे पहले, अब बताते हैं आप लोगों को कैसा लग रहा है। अरे भैया कुर्सी दो ना जी, कैसे लगा? ना बैठिए ना कुर्सी, केडी जी कुर्सी दीजिए भैया को। उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। दोस्तों हम लोग खा पी के पूरा टंच हो गए, हैप्पी खा लिए हैं ना इनके। हाँ, अब हम लोग घर निकल रहे हैं, रात का 11:30 लगभग बज गया। हम लोग पिकनिक ही लेट से स्टार्ट किए थे, पिकनिक नहीं बोलेंगे इसको, पिकनिक क्या बोल रहे हैं हम भी, मतलब यूं ही दोस्त लोग मिलकर लिट्टी बनाए थोड़ा देहाती स्टाइल में, मतलब बिहारी स्टाइल में। अब मज़ा आ गया खाने में, मतलब मेहनत काफ़ी लग गया, पेट भी पूरा टाइट। अब हम लोग निकल रहे घर की ओर, चलिए मिलते हैं। ब्लॉग्स अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।